प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार महिलाओं की सुरक्षा में फेल नजर आ रही है। घटना मुरादाबाद की है, जहां पति ने पत्नी को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपने साथियों और ड्राइवर के साथ मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने कहा कि वो अपने पति से पिछले एक साल से अलग रह रही थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता रही है कि इसका पति से विवाद चल रहा है, पति और इसका एक दोस्त और एक इसके पति के साथ एक महिला रहती है और एक ड्राइवर, ये लोग गलत काम के लिए दबाव बना रहे थे और कल इसने दरखास्त दिया था मुरादाबाद साहब के यहाँ और फिर ये लोग रात में शाम को इसके पास आए और फिर इसको गाड़ी में ले गए और गाड़ी में कोई नशीला पदार्थ इसको खिलाया। जानकारी के अनुसार आरोपी पति के अवैध संबंध भी हैं, जिसकी वजह से दोनों में आए दिन लड़ाई होती थी। वहीं पति लगातार उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। फिलहाल महिला की हालत गंभीर है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।